साबिक भारतीय क्रिकेटर सौरव गंगुली ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा पाकिस्तानी टीम में जज्बे की कमी है। सौरव गंगुली का ये तबसरा अहमदाबाद में हफ्ते को होने वाले मैच में हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ वाज़ह फतह के बाद आया। पाकिस्तान 155/2 की मजबूत पोजीशन पर पहुंचने के बाद बड़ा टोटल ना बना सका और पूरी टीम बिलाखिर महज 191 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजी की डिस्प्ले में वाज़ह मिजाज की कमी पर हैरत का इजहार करते हुए सौरव गंगुली ने मौजूदा पाकिस्तानी टीम और भारत के दरमियान अपने खेल के दिनों में सामना करने वाले फर्क पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बैटिंग डिस्प्ले में मिजाज की वाज़ह कमी पर हैरत का इजहार है और मजीद कहा कि इन्हें लगता है कि पाकिस्तान की पुरानी टीम मौजूदा टीम से ज्यादा मुसाबकती थी। सौरव गंगुली ने कहा कि हमारे दौर में पाकिस्तान एक मुख्तलिफ टीम थी, ये इस किस्म की पाकिस्तानी टीम नहीं है जिस तरह हम खेलते थे। ये टीम बैटिंग के दौरान दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में इस बैटिंग के साथ वापस आना मुश्किल होगा। सौरव गंगुली की तनकीद पाकिस्तान की दबाव को संभालने और जारी वर्ल्ड कप में जबरदस्त वापसी करने की सलाहियत के बारे में तशवीश की निशानदही करती है। भारत के खिलाफ हालिया मैच में इनकी कारकर्दगी को देखते हुए जहां इन्हें 7 विकेटों से शिकस्त हुई थी।